अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचती रहे। भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने जज्बे खैर सगाली के तहत गुज़िश्ता रोज वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले कर दिया था। भारत से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक भारतीय पायलट अभिनंदन को आर्मी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसका तफसीली MRI और CT स्कैन कराया जा रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया और वहां के लोग सही सलामत पायलट वापस मिलने पर एहसान मंद होने की बजाय वावेला करने लग गए हैं। यहाँ तक के ये भी कहना शुरू कर दिया है कि पाक आर्मी ने जबरदस्ती अभिनंदन से अपने हक में वीडियो बयान दिलवाया। भारत की तरफ से इस तमाम प्रोपेगंडा पर पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक ने ट्विटर पर खूब जवाब दिए, जिसने भारतीयों को मजीद तपा दिया, जबकि भारतीय सारफीन जबकि पाकिस्तानी सारफीन हंसने पर मजबूर हो गए। एक ट्वीट में वीना मलिक ने कहा कि आपको मजीद मायूस करने के लिए बता दूं कि हमने अभिनंदन के अंदर एक चिप इंस्टॉल कर दी है और वो हमारा कबूतर है। एक ट्वीट में वीना मलिक ने कहा कि एक चाय की कीमत मग 21 ली है तो सोचो पूरा बंदा वापस करके कितनी कीमत लेंगे। वीना मलिक ने भारतीयों को तपाते हुए एक और ट्वीट किया और कहा कि असल अभिनंदन तो हमारे पास है, आपको तो हमने उसका हमशक्ल भेजा, अब अदनान समय के बाद ये भी वहां जासूसी करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अभिनंदन के साथ भारत में अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। पायलट अभिनंदन को ताहाल अपने घर जाने नहीं दिया गया, जबकि अभिनंदन के अहल खाना से सिर्फ 9 मिनट की मुलाकात कराई गई। यहाँ ये काबिले जिक्र है कि पाक फौज की जेर हिरासत जिस पायलट को भारतीय मीडिया ने हीरो बनाकर पेश किया, उसको भारत हवालगी के बाद ही उसे जीरो कर दिया गया।